हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजपाल सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल द इमेजिंग में। और सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है दीपावली के ऊपर ही, कि दीपावली का ग्रीटिंग कार्ड कैसे बनाया जाए अपनी जो व्हाट्सअप के लिए। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा मेरे नए वीडियो का। तो चलो दोस्तों, आज हम व्हाट्सअप के लिए दीपावली का ग्रीटिंग कार्ड बनाना सीखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाए। सबसे पहले एक मैं न्यू फाइल बनाऊंगा। तो दीपावली का जो ग्रीटिंग कार्ड हमने बनाना है वो हम पिक्सल्स में भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1500x1500 पिक्सल्स में बना रहा हूँ 300 की DPI के साथ। तो ये हमारी नई जो है फाइल क्रिएट हो गई है दोस्तों। तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में जाऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ मैंने दीपावली की मेरी जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने पहले ही मेरे लाइब्रेरी में ऐड कर रखी हैं यहाँ। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड्स लूँगा दोस्तों। तो ये बैकग्राउंड्स मेरा आ गया है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो मैं इसे बड़ा कर लूँगा थोड़ा। तो ये दोस्तों मेरा बैकग्राउंड आ गया है। अब मुझे दोस्तों बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा ब्लर करना है, तो मैं इसको ब्लर कर लूंगा दोस्तों। इस तरीके से इसको ब्लर कर लेंगे दोस्तों। अब मैं शेप्स में जाऊंगा, कस्टम शेप्स में। यहां से मैं कुछ शेप मेरे लिए निकालूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ऑल शेप्स को अप्लाई कर लेता हूं। ये आल शेप्स आ गई हैं दोस्तों। फोटोशॉप में जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप उनको यूज़ लेकर के भी अच्छा वर्क कर सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो, आप बना सकते हो नई चीज़ें। जैसे दोस्तों ये वाली शेप्स है, मुझे यहाँ इसको वाइट कलर में लेना है, तो मैंने यहाँ इसको शेप्स को बना दिया है दोस्तों। ये देखो, ये शेप्स मेरी जो है ये क्रिएट हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से मैं कुछ शेप्स को छोटा कर दूंगा यहाँ। तो इन सभी शेप्स को मैं मर्ज कर लूंगा। तो मैं इनकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, जो भी आपके स्टूडियो का जो लोगो है, कंपनी का जो लोगो है, आप उसका यूज़ करें। जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मेरे लोगो का। आप इसको कुछ इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हो, जैसे मैं ये लेयर स्टाइल्स में जाकर के इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। जैसे स्ट्रोक मैंने दे दिया है, फिर मैं इसको ड्रॉप शेडो दे दूंगा। स्ट्रोक जो है ये आउटसाइड में रखना है। हमारी लेयर है, इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं अपन। अब दोस्तों मैं लक्ष्मी जी की इमेज को यहाँ सेट करना है इस तरीके से। ये है दोस्तों, हमें क्रैकर्स सेट करने हैं यहाँ। इनकी ओपेसिटी भी आप कम रखेंगे थोड़ी, 50 के समथिंग या 40 इस तरीके से। और ये दीपक जो है इनको हम यहाँ यूज़ में लेंगे।
या फिर आप यूं भी बना सकते हो, लक्ष्मी जी को इसके बैक साइड में यूं दिखाते हुए, ये रंगोली ना लगाते हुए। ये क्रिएटिविटी है दोस्तों, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसे कैसा क्रिएट करना चाहते हैं। जो बैकग्राउंड का कलर है दोस्तों, इस कलर को आप ब्लैक कलर में फिल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा बैकग्राउंड उठ गया है, मतलब बैकग्राउंड में जो उभार था वो आ गया है। आप थोड़ा सा इतना रखिए इसमें। अब देखिए दोस्तों, जो अपना बैकग्राउंड था वो थोड़ा दिख गया है, मतलब जो अपने जो अदर जो चीज़ें हमने लगाई हैं इसमें, जैसे लक्ष्मी जी है, दीपक हैं, वो अब दिख गए हैं, क्रैकर्स भी दिख गए हैं। तो अब यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए आप टेक्स्ट टूल लीजिए सबसे पहले। इसमें हम लिखेंगे HAPPY हैप्पी दिवाली 2019। इस पर हम रेड कलर का यूज़ कीजिए। साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप। फॉन्ट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं दोस्तों, फॉन्ट्स क्रिएटिव फॉन्ट्स आप कोई सा भी ले सकते हैं। और अगर हैंड राइटिंग फॉन्ट्स लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब हम लेयर स्टाइल में जा करके स्टाइल्स इफेक्ट्स देंगे इसको। जैसे कलर ओवरले है, कलर ओवरले में मैं इसको वाइट कर दूंगा और इसको स्ट्रोक दूंगा मैं रेड कलर का। ड्रॉप शेडोज का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। जैसे टेक्स्ट के बीच का डिफरेंस बढ़ गया है, हमने टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर दिया। आप यहाँ दोस्तों कुछ अपना फर्म का नाम या स्टूडियो नेम या कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ इसका कलर में दोस्तों व्हाइट कर देता हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हम जो ग्रीटिंग है वो बना सकते हैं। आप इसको अब सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से हम जो ग्रीटिंग है वो बना सकते हैं। आप इनमें कलर्स कुछ डिफरेंस भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट्स का यूज़ भी ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो,
ग्रीटिंग कार्ड बनाने का। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और जो मेरे नए दोस्त हैं जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा मेरे नए वीडियो का। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और वंस अगेन एक बार फिर से हैप्पी दीपावली दोस्तों।